सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों आज से हम डेटा इंटरप्रिटेशन शुरू करने वाले हैं और इसमें काफ़ी अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी DI का नाम आता है तो दोस्तों काफ़ी जो दोस्त हैं वो घबरा जाते हैं, उनके दिमाग में ये होता है पता नहीं कैसे होते ये क्वेश्चन, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी कुछ भी बात नहीं है, हाँ थोड़े से मुश्किल ज़रूर होते हैं लेकिन हम अगर मेहनत करें कोशिश करें तो ऐसी बात नहीं है कि हम इनको कर नहीं सकते। अभी जो जून 2019 के अंदर जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आए थे वो वेरी ईजी क्वेश्चन आए थे, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो अगर हम मेहनत करें तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टाइप के बारे में बताएंगे जो UGC नेट के अंदर पूछे जाते हैं। और अभी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें से करीब 5 से 6 बार आज तक क्वेश्चन आ चुके हैं, वो हम करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। दोस्तों हमने NDA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ 2 वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है और इसमें UGC नेट के अंदर किस तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन जैसा कि हिंदी के अंदर इसे जाने तो ये होता आंकड़ा इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो आंकड़े जो होते हैं हमारे पास उनको इंटरप्रिटेट करना यानी कि उनको समझना। और इसके अंदर काफ़ी तरह के जो सवाल है वो हो सकते हैं हमारे, जैसे कि ये यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल चार्ट होता है एक, तो जैसे कि टेबल होगी, ये ज़्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों UGC नेट के अंदर वो टेबल से रिलेटेड आते हैं। और पहले जो क्वेश्चन आते थे वो ग्राफ से रिलेटेड इस तरह से भी क्वेश्चन आए हैं। और उसके बाद में जैसे कि ये पाई चार्ट है, पाई चार्ट से भी अभी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, पहले आए हैं 2012 से पहले बहुत क्वेश्चन आए हैं इसमें से, तो अभी भी ये करना ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि जो नया सिलेबस है उसके अंदर इन तीनों के बारे में बताया गया है। तो इन तीनों के बारे में हमें बेसिक जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जो डर है आपके अंदर वो निकाल दूंगा। आप लाइव देखना दोस्तों कितने आसान क्वेश्चन आते हैं UGC नेट के अंदर, अगर आप मेहनत करते तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो एक जो डर जो अपने अंदर जो बैठा हुआ है कि हम नहीं कर सकते, ये जो नहीं है ना ये हटा दो और बस इतना रखो कि हम कर सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल आसानी से आप किस तरह से कर सकते हैं। और एक चीज़ और है दोस्तों, जो डेटा इंटरप्रिटेशन है इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, एक एडिशन की टिप्स हमें पता होना चाहिए, डिवीज़न पता होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए, परसेंटेज का यूज़ होता है, एवरेज का यूज़ होता है, रेशो एंड प्रोपोर्शन का यूज़ होता है, इन सभी चीज़ों का यूज़ होता है। और इन सभी चीज़ों के बारे में हम इवनिंग की जो वीडियो होगी उसमें डिटेल में इन 5 से 6 जो ये चीज़ें हैं हमारे इन सभी के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, हर एक की ट्रिक बताऊंगा। लेकिन अभी की वीडियो में हम आपको केवल बेसिक चीज़ें बता रहे हैं जिससे आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाए। देखिए सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, ये जून 2012 के अंदर आया था, इसमें इन्होंने क्या क्या कहा है कि एक देश में कुल विद्युत उत्पादन यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं वो कितनी है, 97 गीगावाट है। यहाँ पे इन्होंने ये दिया है, ये ग्राफ यानी कि ये पाई चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो जितनी 97 गीगावाट जो विद्युत उत्पादन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं वो अलग अलग जगह से होते हैं, उन सभी का डिवाइडेंस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछते हैं, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, इसमें कहा है कि विद्युत उत्पादन में वायु एवं सौर शक्ति का योगदान सुनिश्चित रूप से क्या है, ये हमें बताना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इंग्लिश में भी दिया है, इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं है।
वट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ विंड एंड सोलर पावर इन एब्सोल्यूट टर्म इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, यानी कि विंड और सोलर एनर्जी से जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना है वो हमें बताना है। देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं वायु एवं सौर ऊर्जा कहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे अपना ये कितना प्रतिशत है दोस्तों, ये है हमारे पास 7% है, और जो टोटल हमारे पास कितनी प्रोड्यूस होती है 97 होती है, तो वायु एवं सौर ऊर्जा का कितना भाग है 97 के अंदर ये हमें बताना है। तो इसका बिल्कुल सा आसान है दोस्तों, 97 मल्टीप्लाई बाई 7 यानी कि परसेंट है बटे में 100, ये करेंगे हम। अब देखिए 97 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कितना होता है, एक मिनट में करके देख लेता हूँ। ये होता है दोस्तों 679, ये होता है हमारा, जब 97 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 679 होता है। अब इसे जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि दो डिजिट छोड़ के लास्ट से हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, और ये जो हमारा ऑप्शन है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। और ये जो है दोस्तों ये हमारा जून 2012 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो देख सकते हैं आप कितना आसान क्वेश्चन है। और अब हम आगे देखते हैं, जैसे ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान सुनिश्चित रूप से क्या है। नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जिसे हम बार बार यूज कर सकें वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी इनमें से कौन सी है। अब देखिए नाभिकीय ऊर्जा है वो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी होगी, एक तो वायु एवं सौर ऊर्जा और दूसरी होगी तापीय शक्ति, ये जो दो चीज़ें ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी होगी। तो इन दोनों को मिला के हम देखते कि 97 के अंदर इनका कितना भाग है। अब देखिए 20 और 7 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 97 में से हमें निकालना है, 97 मल्टीप्लाई 27 बटे में 100 करेंगे। अब देखिए 97 को जब हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2619 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर नीचे क्या है 100 है, 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कितने, दो के बाद लग जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 26.19 इसका आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो देखा दोस्तों यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। और अब मैं एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ इसी से रिलेटेड, जो बिल्कुल आसान है जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। अब ये देखिए दोस्तों ये दिसंबर 2011 के अंदर आया है, इसने ये क्या कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों से कुल CO2 उत्सर्जन 5 mm है, MMT है, ठीक है, जो CO2 है वो कितना है 5 mm है। तो अब नीचे ये इन्होंने एक पाई ग्राफ दिया है, यहाँ से हमें क्वेश्चन निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या कहा है, व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट CO2 एमिशन फ्रॉम डोमेस्टिक सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर से उत्सर्जन कितना है वो हमें बताना है। अब देखिए डोमेस्टिक सेक्टर कितना है, यहाँ पे 15% दिया है, तो 5 mm का 15% कितना होगा वो निकालते हैं। ये देखिए 5 × 15 हमने किया, ये 5 ये ले लिया, टोटल है 5 हमारा, और परसेंटेज कितना दिया है 15% डिवाइड बाय 100। अब देखिए 15 × 75 75 यहाँ से हमारा आ गया, और नीचे क्या है 100 है, 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 digit छोड़ के हमारा डेसिमल लगेगा, यानी कि 5 छोड़ दिया 7 छोड़ दिया, यहाँ पे हमारा डॉट लग जाएगा और यहाँ पे हमारी 0 आ जाएगी। और ये आंसर किस में है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर जो डी दिया है यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से किस तरह से हमारे क्वेश्चन निकल रहे हैं, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है वो और मैं दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए इसमें भी यही कहा है कि इसमें जो CO2 है वो टोटल कितना है 5 mm है। अब इसमें देखते हैं संयुक्त थर्मल पावर और परिवहन क्षेत्रों से निरपेक्षित CO2 उत्सर्जन किया है, यानी कि इसके अंदर हमें दो का कम्बिनेशन करके बताना है, एक तो थर्मल पावर और दूसरा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अब देखिए इसके अंदर थर्मल पावर कितना है, ये 35 है, ये हमने लिख लिया, और प्लस में ट्रांसपोर्ट सेक्टर कितना है, ये 30 है, यानी कि 30 है, टोटल कितना हो गया दोस्तों हमारे पास हो गया 65 यहाँ से हो गया। अब इन दोनों का हमें बताना है कि 5 mm में कितना योगदान है वो हमें बताना है।
अब देखिए इन दोनों का जो हमने जोड़ है वो कितना किया था दोस्तों, 65 किया था। और हमें किस में से बताना है, 5 mm में से बताना है। तो इसके लिए क्या होगा, 5 × 65 और डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो अब इसमें दोनों करका करके देखते हैं, 5 को जब हम 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 325 आएगा, और जब हम डिवाइड बाय 100 करेंगे तो दो डिजिट छोड़ के यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 3.25 इसका आंसर आ जाएगा, और जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट के अंदर। और वैसे तो देखिए दोस्तों इसमें 2012 से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अब की बार शायद उम्मीद है, क्या पता आ जाए, उम्मीद बहुत कम है, लेकिन हम बिल्कुल भी मना भी नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल नहीं आ सकता, आ सकता है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, अगर इस तरह के और कोई क्वेश्चन मिले तो आप करके देखना, या फिर आप इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं। और इवनिंग की जो वीडियो होगी दोस्तों, इवनिंग की वीडियो में हम आपको ये जो है सभी एवरेज है, जैसे हमारा एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इन सभी की ट्रिक बताएंगे कि किस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, किस तरह से परसेंटेज निकालने हैं, कैसे जमा करना है, कैसे घटाना है, इन सभी के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।